क्लाम फोर्स जो है वो दो पॉइंट के चार्ज के बीच में लगता है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में। सपोज दैट लेट अस दो पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, ये जो कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट है, समझ गए। अब इसमें जो हम जो फोर्स लगता है उसे हम क्लाम फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्लाम फोर्स जो होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, एंड जो बीच की जो सेपरेशन है दूरी उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही क्लाम फोर्स है। अब इसको हम दिखा सकते हैं एक्सप्रेशन के तौर पर। देखो जो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके मैग्नीट्यूड के। सपोज दैट लेट अस Q1 एंड Q2 हो गया, एंड F जो है इसके बीच की दूरी के स्क्वायर हो गया। जब दोनों को हम करेंगे तो ये हो गया आपका Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हटाने के लिए कॉन्स्टेंट को हम लाते हैं, क्या चाहिए कॉन्स्टेंट लाते हैं, तो उसके लिए हम 1/4π0 लिए कॉन्स्टेंट लाते हैं। यही मेरा हो गया कूलम्ब फोर्स का एक्सप्रेशन, जहाँ पे ये हो गया आपका कूलम्ब कॉन्स्टेंट।